नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल हमारा बिहार में। आज 30 मार्च 2019 है और 30 मार्च 2019 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, बिहार में कहाँ पर वेधशाला बनाने को मंजूरी मिली है? तो बिहार में पटना जिला में वेधशाला बनाने को मंजूरी मिली है। अब नाम आया पटना जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं पटना जिला कहाँ पे है। तो ये आ गया बिहार का मैप, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका पटना जिला। पटना जिला का सीमा जो है वो भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय से सटा हुआ है, ठीक है। और ऊपर में जो जिला है सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये इन सब जिलों का सीमा पटना से नहीं सटा है, क्योंकि इन सभी जिलों के बीच में और पटना के बीच में गंगा नदी बहती है जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तर बिहार और नीचे वाले भाग को दक्षिण बिहार कहा जाता है, ठीक है। तो नाम है पटना का। तो चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं। ये जो हुआ है, ये जो वेधशाला बनाने को मंजूरी मिला है, ये पटना के तरेगना नामक स्थान में बनाने को मंजूरी मिला है। और ये तरेगना जो है ये महान गणितज्ञ व खगोलविद आर्यभट्ट की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पटना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं कि पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का साक्षरता दर 70.68% है और जनसंख्या घनत्व में यहाँ का 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 1897 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सोन, गंगा और पुनपुन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न दाखिल करने में बिहार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बिहार में 36% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मगध फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIBM सभागार पटना में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महिला अंडर 23 वनडे क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को हराया है? तो बिहार ने सिक्किम को हराया है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सभी मदरसों में किस विषय की पढ़ाई को मंजूरी दी गई है? तो बिहार में सभी मदरसों में भारत के संविधान को पढ़ाने को मंजूरी दी गई है और यह अनिवार्य रूप से यानी लागू किया गया है। यानी बिहार में जितने भी मदरसे हैं वहाँ पे अनिवार्य रूप से भारत के संविधान को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलवायु परिवर्तन लैब के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने कितने राशि के लिए स्वीकृति दी है? तो केंद्र सरकार ने 2,20,00,000 रुपये की स्वीकृति दी है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस रेल मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दानापुर रेल मंडल में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सिस्टम बनाया जाएगा इसमें 75 करोड़ रुपये का लागत आएगा, यानी इसका जो कॉस्ट पड़ेगा 75 करोड़ रुपया। और ठीक है, दानापुर रेल मंडल जो है पूरे भारत में समय का पालन करने में प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप प्रतिदिन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन का वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।